हे गाइस, सुकल चैनल रे भाई, स्वागत होगा माइनक्राफ्ट के कोने खतरनाक एपिसोड में। तो आज का वीडियो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर फिर से एक बार चैलेंज करने वाले हैं। और मुझे ना फिर से एक बार भाई चैलेंज मिला है माइनक्राफ्ट के अंदर, और ये चैलेंज दिया है भाई फिर से मुझे ओम ने। तो यार चैलेंज क्या है ये तुम लोग को ओम ही बताएगा। तो ये रहा मेरे पीछे ओम, तो भाई ओम चैलेंज क्या है भाई बता दो सबको। तो गाइस कल मेरी बेइज्जती हुई थी, मैंने 1 घंटे की मेहनत लगा के एक प्यारा सा घर बनाया था, मामा ने उसकी बेइज्जती करी। और 1 ब्लॉक में मैं 1 घंटे बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद घर बनाया था, और मैंने इसलिए मामा से कहा आइए चैलेंज हो जाता है कौन जीतता है। और गाइस आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा किसका घर आपको अच्छा लगता है। तो चैलेंज का नाम है बिल्ड एंड बैटल। ओके, तो गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ, उन्होंने तुम लोग को समझाया, शायद काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज धीरे धीरे मतलब ये बोलना सीख रहा है। तो भाई चैलेंज है बिल्ड बैटल चैलेंज, हम दोनों को घर बनाना है। एक एक हम लोग छोटे छोटे घर बनाएंगे, मतलब ये चाहे तो बड़ा भी बना सकता है, मैं तो छोटा सा ही घर बनाऊंगा। तो मतलब जिसका अगर सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। तो चैलेंज शुरू कहाँ से हुआ मैं तुम लोग को बता देता हूँ। कल ये 1 ब्लॉक खेल रहा था और बहुत देर से खेल रहा था, मतलब 1-1.5 घंटे में इसने भाई एक खतरनाक घर बनाया। इतना खतरनाक घर कि विलेजर के घर भी ना 1,00,000 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने उस मतलब घर की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, मैं थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी कि भाई 1 घंटे में तूने डिब्बे जैसा घर बनाया है। तो मतलब सीधे भाई सीधे गुस्सा हो गया और बोल रहा है चलो एक चैलेंज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार एक चैलेंज किया जाए। तो आज हम लोग बिल्ड एंड बैटल चैलेंज करने वाले हैं, जिसका अगर सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा आप लोग को कॉमेंट करके बताना पड़ेगा। और आज तो ओम बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है तू। भाई इसने गले इंसान से बिल्ड बैटल चैलेंज कर लिया। आप लोग को भी पता है यार मैं मतलब बिल्डिंग वगैरह कैसी बनाता हूँ, अगर मैं बेकार भी बनाऊंगा ना फिर भी उसके खतरनाक तरीके से डेकोरेट कर लूंगा। पर पता है एक सीन है, सीन क्या है कि हमारे पास ना सिर्फ इतना ही सामान है, जितना सामान मेरे पास है उतना ही सेम इसकी चेस्ट में भी है। उतना ही ना, चोरी तो नहीं किया ना तूने, उतना ही सामान इसके पास है। इतने ही सामान में हम लोग को घर बनाना है, छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं, बिल्डिंग मॉडर्न हाउस जैसा इसका मन होगा। मैं तो छोटा सा एक घर बनाऊंगा, ज़्यादा सामान भी नहीं है, और जल्द से जल्द तैयार करना है। साथ ही साथ हम लोग को विलेजर्स के घर से कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है। हम लोग अगर मतलब कुछ लाना चाहे तो लेकर आ सकते हैं, जैसे पेड़ वेड़ तोड़ सकते हैं, पर विलेजर का घर नहीं तोड़ना है, ये भी चीज़ है। बाकी जल्द से जल्द घर बनाना है। और हाँ मतलब देखते हैं यार किसका घर ज़्यादा बढ़िया बनता है, मतलब चैलेंज मिला है तो भाई एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देता रहेगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर दे। यहाँ पे मेरी चेस्ट है बीबी के नाम से, एंड यहाँ से ओम की चेस्ट है। ये रहा इसका बेड, मेरा बेड ये रहा, हमने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे लगा दिया, जल्द से जल्द बनाएंगे। तो रेडी है तू? हाँ। चलो ठीक है, तो घर बनाने स्टार्ट करें, पास पास में बनाएंगे। काम करना ना, मैं इस साइड बनाना स्टार्ट करूंगा, तू अपनी चेस्ट से उस साइड या इधर बना ले, ठीक है? तो मैं ना एक काम कर दूंगा इस ना स्टार्ट करने से पहले, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बार विलेजर्स के घर चेक कर लिया जाए, इसको भाई बनाने दो। तो यहाँ पे क्या चीज़, ओके तो गाइस मैं ना कारपेट ले लेता हूँ यहाँ से विलेजर्स के घर से, क्योंकि मतलब विलेजर्स का घर मतलब मैं तोड़ फोड़ नहीं कर रहा हूँ, इसको बनाने देते हैं। बाकी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम लोग आराम से उससे बना लें, कोई नहीं, बच्चे को जीतने का मौका दिया जाएगा पूरा पूरा। वैसे भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा इसने ज्ञान दिया कि तुम भी कौन सा अच्छा बना पाते हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, चैलेंज दे रहे हो तो भाई कर लेते हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ यार कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग को ऐसे और भी चैलेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और भी जल्दी बहुत खतरनाक खतरनाक चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो चेस्ट के अंदर यहाँ पे मेरे को फूल वूल थोड़े से मिल गए, खाने का सामान मैं ले जाता हूँ। वैसे हमारे पास एक एक स्टैक ब्रेड तो दोनों के पास है, बट फिर भी यार मतलब यार चेक कर लेनी चाहिए विलेजर्स के घर की, आप हम लोग को कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए। ओके, मैं कुछ तोड़ने वाला नहीं हूँ, मतलब कारपेट वगैरह तो यार नीचे से ले लिया, वैसे मैं कुछ भी तोड़ने वाला नहीं। और उसने स्टार्ट भी कर दिया है भाई, इतनी तेजी भाई ओम, इतनी तेजी दिखा, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, बहुत खतरनाक वाला बना रहे हो क्या? मतलब कौन सा मॉडर्न हाउस बन रहा है, कुछ कासल असल तो नहीं बन रहा? नहीं, कहीं ऐसा होगा इस कासल में आगे खड़ा कर दे, मेरा सामान चोरी मत कर लेना, मैंने गिन रखा पूरा एक कहीं ब्लॉग ब्लॉग चोरी कर डाले। ओके, कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है हम लोग भी चालू करते हैं। मुझे 3 कारपेट मिले हैं, मेरे पास एडवांटेज हो गया, मेरे पास 3 कारपेट है, इसके पास वो भी नहीं है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं। ओके, ओ भाई यहाँ तो तैयार हो चुका है, अरे यार इसने बना भी दिया। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कैसा बनाऊँ, अगर हार गया ना भाई बहुत बेइज्जती करने वाला है ये। हमारे पास 1 स्टैक कोबलस्टोन है, 1 स्टैक हमारे पास लॉग है, 1 स्टैक डर्ट है, बस आयरन वगैरह टूल वगैरह हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, फैंस से सारी चीज़ें चलो ले ही लो यार, काम आए ना आए, ब्रेड वगैरह भी है एंड साइन बोर्ड भी है, बेड तोड़ के हम लोग अपने बाद में घर में डाल सकते हैं। तो ओम तू हारने के लिए एकदम तैयार है ना? जीतने के लिए तैयार। ओ भाई जीतने के लिए। और गाइस कमेंट करके मतलब आप लोग को पनिशमेंट भी बतानी पड़ेगी, जो बंदा भी हारेगा उसको क्या कर रहे हैं उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए ना। ओम तैयार है ना तू बस पनिशमेंट के लिए? बाद मैं वो तो ऑडियंस बताएगी,
वो तो गाइस आप लोग, और कोई भी ये नहीं सोचेगा भाई, बच्चा समझ के कोई ये नहीं बोलेगा इसका घर ज्यादा बढ़िया है। तो यार मैं कैसे शुरुआत करूँ, मैं सोच रहा हूँ काम कर दो ना, मैं लॉग से हाँ नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हार मान लूँ। गाइस बनाएंगे तो हम भी, चाहे हमारा घर, अरे यार मैंने गड़बड़ी कर दी बनाने से पहले ही, कोई नहीं पूरी कोशिश की जाएगी। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ये ज़्यादा बड़ा बना रहा है बट मैं ना, अरे भाई जीतने की कोशिश की जाएगी, तू हारने वाला है, तू टेंशन ना ले। मैं कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत छोटा घर बनाऊंगा, छोटा और प्यारा और बढ़िया। मैं तो आपसे अच्छा ही रहूँगा, 10 गुना। हाँ अरे भाई बिल्कुल यार, तुम तो बिल्कुल पिरो प्लेयर हो यार, तुम्हें सब जानते हैं पिरो प्लेयर हो, तुम तो बढ़िया बनाओगे ही। ओके तो ये मेरे कुछ पिलर्स खड़े हो गए, यहाँ पे मैं कोबल स्टोन लगा देता हूँ। कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेगा मेरे घर की तू? अरे भाई हम क्यों कॉपी करेंगे, मतलब देख रहे हो कॉपी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे बोल रहा हूँ उल्टा कॉपी मत कर लेना। बहुत सही, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं बस चुपचाप करते रहूँगा, और ये भी चुपचाप कर रहा है। बाकी पता नहीं यार, मैं ना अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा भाई हरा रहा दे ये, कहीं ऐसा हो तैयारी तैयारी करके बैठा हो ये, क्योंकि चैलेंज काफ़ी करने देने के बाद काफ़ी देर बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो शायद इसने वीडियो वगैरह देख लिया हो, बिल्ड कोई वीडियो देख लिया हो, खतरनाक से कोई घर बना दे और भाई बेइज्जती हो जाए। कोई नहीं, ट्राई तो हम भी करने वाले हैं। और मैं ना छोटा सा 2 फ्लोर का घर बनाऊंगा। ओके ओके तो ये ओम का घर कुछ इस तरीके से बन रहा है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये देखो। हाँ, चीटर, चीटर। नहीं मैं ऑडियंस को दिखा रहा हूँ ना, तो गाइस ये ओम का कुछ इस तरीके से घर बन रहा है एंड मेरा वहाँ पे बन रहा है, दिखने में तो इसका ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एंड मेरा देख रहे हो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है क्या ही बना रहा हूँ। पर रुको ज़रा, रुको सबर करो, रुको जरा भी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये लो, ऑडियंस सब बेइज्जती हो गए। वो ऐसा भी हो सकता है पर देखता है। अबे यार गलत लगा दिया, कोई नहीं जितने हैं उतने ही लगेंगे, अब जितना भी है या तो तोड़ के छोटा कर दो ना, चोरी नहीं करेगा, बस चोरी नहीं करनी है, मैं साथ साथ में दिखाता रहता हूँ। इसका हिस्सा है, कहाँ जा रहे तू चोरी करने, चोरी करके कुछ नहीं लाएगा। मैं भी यार ज़्यादा बड़ा ना बना दूँ, कहीं ऐसा हो बेइज्जती हो जाए मेरी भी। पूरा है आपका, अरे बेइज्जती तो तेरी होगी। अरे मैं ऊपर से नीचे गिर गया, मर गया तो क्या दिक्कत है, मरने की थोड़ी हो रही है, वो तो घर का हो रहा है, घर कौन ज़्यादा बढ़िया बना सकता है। गाइस तोड़ रहा है, तोड़ रहा है तू अपना घर, तोड़ के तो बना रहा है, झूठ तो बोल मत। ये देखो इसका घर कुछ इस तरीके से बन रहा है गाइस, ये देख रहे हो, वो भी इतने सारे कमरे बना रहा है भाई, मेहमान को बुलाने की तैयारी। ओके तो भाई यार मेरे पास भी लॉक कम पड़ गया, मुझे तोड़ने पड़ेंगे ये। ट्री तोड़ सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा, कोई भी, क्या चीज़? ट्री। हाँ ट्री तोड़ सकते हैं, कोई नहीं ट्री तोड़ के ले आओ यार, तुम छूट दे दी जाओ, बच्चे को छूट दे दी, बच्चा समझ के बच्चे को छूट दे दी, हारने वाले हो अभी, ये कंफर्म रखो। वो तो देखा जाएगा हारने वाले हैं, खतरनाक ही पनिशमेंट दीजिएगा। अरे बिल्कुल 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 खतरनाक दी जाएगी, तुझे टेंशन ना ले, बिल्कुल खतरनाक वाली पनिशमेंट दी जाएगी तुझे। सारे पेड़ भी मत काट के ले आना, कहीं मेरे को कुछ मिले ही ना, सारे के सारे। गाइस सच बताओ ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मैं कैसा डिज़ाइन बना रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही बनाते जा रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, मैं बस ऐसी मनगढ़ंत कहानी टाइप का बना रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। मैं कुछ अपने सोचा नहीं है कि मैं कैसा बना रहा हूँ, बस मुझे लगा कि ऐसा बढ़िया लगेगा तो बस मैं वही बना रहा हूँ। और सवाल ये रहा, और अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो पे सपोर्ट दिखाया तो हम लोग विल चैलेंज के और भी वीडियोज़ लाएंगे, वो भी टाइमर के साथ। आज हम लोग कोई टाइमर वगैरह नहीं लगा रहे, मतलब पहली बार है इसलिए कोई टाइमर वगैरह नहीं चल रहा है, फिर प्रॉपर टाइमर चलेगा कि इतने टाइम के अंदर बनाना ही बनाना है, फिर ऐसा होगा आप लोग चैलेंज बताना कि हम लोग को क्या चीज़ बनानी चाहिए उतने चैलेंज के अंदर। ओके चल ठीक है, सो जाते हैं फटाफट से। होगी तो सुबह हो गई है भाई, एक रात हो चुकी थी, सुबह हो गई। ये रहा मेरे घर का स्ट्रक्चर एंड पूरा ओम के घर का स्ट्रक्चर। अभी क्या करने आई है? अच्छा देखने आया, मैंने कहा क्या करने आ गया भाई। तो मुझे लगता है ना कि मैंने कोबलस्टोन गलत लगा दिया, मुझे जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत सही, ओके बिल्कुल परफेक्ट बनना है जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल परफेक्ट। सारी ट्री क्यों काट लेगा, मतलब काम भी ना हो फिर भी। वही बहुत सही,
सारे काम है, फ्लोर डल लिए, सेट डल लिए, पेंट बहुत सारे डल रहे हैं ना, पेंट भी करना है। बहुत सही। और लास्ट में ना गाइस मैं आपको शेडर डाल के दिखा दूंगा ना, शेडर डाल के और ज्यादा बढ़िया लगेगा, शेडर डाल के दिखा दूंगा कि कैसे लग रहे हैं हमारे घर, मतलब मेरा घर सबसे पहले। अरे ठीक है ना, हारने वाले का घर पहले, बस जीतने वाले का घर, मैं जीतने वाला हूं। अरे यार ये डर लगा रहा है, साफ करना है ये। एक स्टैक स्लैब बना दी, बहुत सही, थोड़ी हमें भी दे देना। चलते हो, हमको पहले यार ये प्लान हमको अलग डिजाइन करना है, हमने ओक वाली यूज करते हैं क्योंकि तो मेरा काफी ज्यादा सिंपल हो गया यार, मेरा बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, मैंने कोबलस्टोन का तो यूज किया ही नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल हो गया मेरा यार, बहुत ज्यादा सिंपल, मुझे थोड़ा और डेकोरेट करना पड़ेगा इसे गाइस, ऐसे मजा नहीं आ रहा। तो जल्दी जल्दी से मैं भी यार इसको डेकोरेट करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ना थोड़े बहुत प्लैंक लेकर आने पड़ेंगे सारे, मत तोड़ना, तो फटाफट से मैं भी पेड़ वेड़ तोड़ के ले आता हूँ, नहीं तो ये सारे पेड़ वेड़ तोड़ लेगा, और उसके बाद मैं भी डेकोरेशन करना चालू करता हूँ। होगी तो गाइस सभी ओम का घर भाई बनके तैयार हो चुका है, तो ये रहा ओम का घर, एंड मैंने यहाँ पे नाप और शेडर दोनों ऑन कर लिया है, क्योंकि वो मेरे को बहुत देर से बोल रहा है कि भाई शेडर और नाप को ऑन कर लो, मेरा घर और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो मैंने यहाँ पे शेडर और नाप दोनों ऑन कर लिया जिससे तुम लोग को बढ़िया तरीके से दिखाई दे जाए। तो ये है ओम का घर एंड ये है मेरा घर। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो मेरे घर का डिज़ाइन कैसे चेंज हो गया, तो मैं तुम लोग को बता दूँ, जब मैं घर बना रहा था ना तो ये यहाँ पे आया और इसने मेरा पूरा घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया, भाई कह रहा तुमने मेरा डिज़ाइन कॉपी कर लिया, तो मैंने भाई पूरा घर तोड़ा और दोबारा से ये घर बना रहा हूँ, मतलब मेरी डबल डबल मेहनत इसने करवा दी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, बड़ा चालाक बनता है ये, मतलब थोड़ा बढ़िया लग रहा था वो मॉडर्न हाउस के जैसा, तो बोल रहा है मॉडर्न हाउस नहीं बनाना है, उसको पूरा पूरा इसने तोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, एंड ये काफी सारा सामान दूसरे विलेज से लेके आया ना तू, क्या क्या चीज लेके आया, फ्लावर्स लेके आया, प्लैंक व्लैंक भी लाया ना, प्लैंक वगैरह, क्योंकि मैंने वूल भी लेके, और गाइस जो ये वाला वूल देख रहे हो ना, मैं ये वाले वूल मैं भी लेने वाला हूँ, क्योंकि इसने वूल ले लिया, देखो हमारे रूल में नहीं था बट इसने ले लिया, तो मैं भी लेने वाला हूँ, नहीं तो इसका घर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखे। और तूने पेड़ वेड़ तो नहीं काट दिए ना, मतलब गेट वेट, मेरे को वूल नहीं मिला शायद, एक सेकेंड रुको, ये है तो वाइट वूल तो यहाँ आ गया, एंड दूसरा कौन सा था यहाँ पे, एक ऊपर ही है उस पर, रुक जाओ, हाँ तोड़ना पड़ेगा, एक मिनट रुको, तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ, एंड मेरे घर को बनने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार इसके वजह से, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अब ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं बना लूँगा, मतलब मैं ज़्यादा डेकोरेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस जैसे तैसे करके तैयार कर दूँगा, तेरा हो गया ना ऑलमोस्ट। और मैंने ना आप एक फर्नेस बना लिया था, और इसने भी फर्नेस बना लिया, चला के देख रहे हो, तो फर्नेस में मैं स्मूथ स्टोन बना रहा हूँ, स्मूथ स्टोन से क्या होगा, मैं ना थोड़ा आगे लगाने वाला हूँ, किधर गया स्मूथ स्टोन, ये रहा, अब तू मेरा देख कर मत बनाने लगना, तूने मेरा पूरा तोड़वाया, तू बनाएगा नहीं अब, एक सेकंड, तू कहाँ जा रहा है, बैड लेने, बहुत सही, इसने पूरा का पूरा घर तैयार कर लिया, हद है भाई, इसने मेरा पूरा घर तोड़वाया, बहुत ही चालाक बनता है यार ये। और मेरा ना ये स्टोन जो मैंने लगाया था, मुझे निकालना पड़ेगा, मैं स्मूथ स्टोन लगाने वाला हूँ, ना उनके घर से नहीं लेके आना, ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी, बाकी ये वाला हिस्से में भी पूरा करना है, तो मैं काम कर दूँ यहाँ पे ना, मैं और भी सारे के सारे लगा देता हूँ जितने भी है मेरे पास, ओके 20 यहाँ पे 29 है, सारे के सारे मैंने लगा दिए, बहुत सही, बहुत सही, एकदम पीरो बंदे हो यार तुम तो, ओके यहाँ पे लगा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है, ओके काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार ये, ओके काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मैं काम कर दो ना गाइस यहाँ से निकाल देता हूँ, और जल्दी जल्दी से ना मैं अपना घर भी तैयार कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला राउंड तो मुझे लगता है यही जीतने वाला है, क्योंकि इसने चालाकी जो दिखाई है, मतलब बहुत तगड़ी वाली चालाकी खेली है इसने भाई मेरे साथ, ओके तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, मैं काम करता हूँ, ओके यहाँ पे लगा दे, ऊपर चल के ना वहाँ पे मैं ग्लासेस वगैरह लगाने वाला हूँ, मेरे पास कितने ग्लासेस थे, अबे ग्लास कहाँ गए मेरे, अच्छा यहाँ पे तो है, मैं यहाँ रख दिया, मैं कहा ग्लास कहाँ गए, चोरी हो गए क्या, मैं डरी क्या, मैंने कहा चोरी कर लिया भाई इसने तो, ओके एक सेकेंड, अरे भाई मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा भाई आराम से, ओके पूरा ग्लासेस लगाने वाला हूँ मैं पूरे में, बस ये टूट वूट ना जाए, बहुत सही हो गया तेरा पूरा रेडी, ओके बहुत सही, एंड मेरे पास एक गेट भी है, हाँ एक सेकंड रुक जा, दिखाते हैं अभी तेरा हो गया पूरा रेडी, पूरा रेडी होने के बाद ही दिखाना बार बार क्या दिखाएगा, क्योंकि तो गेट यहाँ लगाने वाले हैं, एंड ये हम लोग इससे निकाल दें क्या, ये और ज़्यादा शायद बढ़िया लगे, एक मिकेट बोल रहा है यार मैं भी, ओके नीचे आ गया, एक मिनट रखो, ये देख रहे हो ओम का ओपी घर, और मैं इधर अपना घर तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ,
ओके बहुत सही। मेरे पास ग्लासेस है ना, बहुत सही ग्लासेस है मेरे पास। एक मिनट रुक, मैं कलर डाई भी तो बना सकता हूँ ग्लासेस से। डाई वाले लगाऊंगा ना फिर। होगी तो मैं इसमें ने 8 यहाँ पे रेड ग्लासेस बना लिए, मैं इसको लगा के देखता हूँ रेड ग्लासेस क्या बढ़िया लगेंगे। एक सेकंड रुको। ओके मैं इसको एक मिनट देख लेता हूँ। ओके तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को तो लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं बनने के बाद ही पता लगने वाला। एंड दो यहाँ पे भी रह गया ना, बाकी इसके अंदर जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। के तीन यहाँ पे तैयार हो गया, तो मेरे पास और भी बहुत सारे लॉग हैं तो मैं इसमें भी लगा देता हूँ लॉग। एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ओके एक और हो जाओ, एक और हो जाओ, बस एक और बन जाइयो। ओके ये बन जाएगा। बाकी मैंने ऊपर ग्लासेस लगा दिए, मैं यहाँ से ना स्टेयर्स बनाने वाला था ऊपर की साइड, तो मैं अपने फेंस वगैरह लगा देता हूँ। मेरा फेंस तो है एक स्टैक, मैंने यूज़ नहीं करी एंड मैं तोड़ के भी लाया था। तो फेंस के लिए लेडर तूने यूज़ किया या सीढ़ियाँ बनाई हैं तूने? मैंने भी तो डर्ट की डर्ट की हाँ। मैं भी डर्ट की बना सकता हूँ, मेरे पास एक स्टैक से ज़्यादा है। मैं पर पीछे से चढ़ के अभी जाने वाला हूँ क्योंकि तो भाई इसमें काम कर दो ना फटाफट से। पहले हम लोग घर वर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को फाइनल लुक दिखा दे कि किसका घर सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। होगी तो भाई सभी हम लोगों के घर बन के एकदम रेडी हो चुके हैं, मतलब मेरा तो भाई ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। ओम का अभी थोड़ा रह गया, तो मैं तुम लोगों को पहले ओम का दिखा देता हूँ। तो ये है ओम का खतरनाक वाला घर, और डिज़ाइन देख रहे हो, ये वाला डिज़ाइन देख के तुम लोग पहचान गए होगे इसने मेरा कॉपी कर रखा है। मैंने अपने वर्ल्ड में कई जगह ऐसा वाला डिज़ाइन बनाता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मतलब कस्टम बायो में बनाया था ना, वही डिज़ाइन है ना ये? अरे वही डिज़ाइन, हाँ वही डिज़ाइन है, ये कॉपी करा हुआ। और इसने मतलब क्या कलाकारी करी है, देखो यहाँ पे फूल वगैरह लगा दिया। अभी रेडी नहीं हुआ ना तेरा? ओके तो मैं तुम लोग को अपना दिखा देता हूँ, तो मेरा देखकर तुम लोग बताओ। मैंने इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया है, डेकोरेशन तुम लोग को पता है कि मैं कैसी करता हूँ। तो ये है मेरा प्यारा सा और सिंपल सा घर। तो मैंने ना इसको थोड़ा अपना सामान भी दे दिया, मतलब मेरे पास थोड़ा सामान बच रहा था तो मैंने कहा कोई नहीं तू ले ले। और जितना आयरन हम लोगों ने 5-5 लिया था, मैंने उसे शेयर्स बना के यहाँ पे लीफ लगा दिए। एंड यहाँ पे पेड़ का एक लुक दिया जो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे मैंने गेट अभी टूट गया था मेरे से गलती से, उसको मेरे को सही करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह नहीं लगाए, तो मैं काम करूँगा ना स्लैब बना के पीछे से कुछ जुगाड़ बना लूँगा। तेरे पास किस चीज़ की है? मेरे को दे दे मैं लगा लेता हूँ। तेरे पास एक्स्ट्रा है क्या? लाला मेरे को दे दे मैं लगा लेता हूँ। ओके आगे 8 इतने से मेरा काम चल जाएगा। तो मैं तुम लोग को ऊपर दिखाता हूँ, मैंने ऊपर के साइड अपना बेडरूम बना रखा है। नीचे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे मैं फर्नेस वगैरह लगाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगा। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल वगैरह रख दूंगा। बाकी लुक तुम लोग बताना कि यार मेरे घर का और ओम के घर का कैसा लग रहा है। इसने लांटेन और टॉर्चेस तो देखो कैसे भर रखी है गाइस, देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से भरी है यहाँ पे। बाकी एक काम कर देना, फटाफट से इसको पूरा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मतलब मेरा काम हो गया है, मुझे बस यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगानी। तेरा काम कितनी देर में हो जाएगा? आधे घंटे में? ओके भाई बनाते गाइस सही बताओ ना, आधा घंटा में हो भी चुका है और अभी से और आधा घंटा लगेगा। भाई कितना टाइम लगाएगा? खत्म कर दे कितना ज़्यादा? ओ तेरी जीतना है इसलिए अच्छी डेकोरेशन कर रहा है। मैं डर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, बाद में मैं डर्ट यहाँ से हटा दूंगा। ओके तो वैसे काम कर देना, जब ओम का घर रेडी हो जाता है उसके बाद में तुम लोग को दिखाता हूँ कि इसका घर कैसा लग रहा है। अब रुक जा डर्ट लगा दूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। तो गाइस आपको मैं अपना होम टूर देता हूँ। होगी तो गाइस अभी ओम का घर बन चुका है, ये तुम लोग को अपने होम टूर दे रहा है, उसके बाद मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तूने गार्डन बना रखा है क्या? हाँ। ये देख रहे हो पूरा फूलों का बगीचा बना रखा है इसने अपने घर के सामने। ओके उधर दोनों साइड। तो यहाँ सबसे एंटर होते यहाँ देखो ओम हाउस इसने लिखा हुआ है। ये है इसकी मेहनत, कमेंट करके एक चीज़ नोटिस करके बतानी आप लोग जज एक तरीके से एंटर करें। और ये लालटेन पूरे इतनी सारी कहाँ से लगा रखी है भाई? पूरा तूने ऐसा लग रहा है ट्रांपो बना दिया, मतलब बिजली घर बना रखा है इसे। ओके तो यहाँ से एंटर कर दे, तेरा यहाँ पे बेडरूम है। ओके पैर साफ कर लिए रुकने यहाँ पे अच्छे से, चल ठीक आ जाओ। ओके तो यहाँ पे इसने अपना बेडरूम बना रखा है। ओ तूने दो दो फर्नेस बना रखी है, बहुत सही। यहाँ पे इसने दो फर्नेस लगा रखी है, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे, दो चेस्ट लगा रखी है, लालटेन वगैरह डिज़ाइन करके लगा रखे है भाई खतरनाक तरीके से।
बाकी पानी कैसे टपक रहा है, ये क्या सस्ता जुगाड़ है भाई, ये क्या सस्ता जुगाड़ कर रखा है। तो खत्म हो गया तेरा घर बस, कहाँ पे? अच्छा ये येल्लो कलर वाला येल्लो पैड, चल कोई नहीं अभी ये तो मैंने दिखा दी, अब पीछे भी है क्या? होगी। तो गाइस ओम का घर कुछ इस तरीके से, ऊपर वाटरफॉल है जिससे सस्ता जुगाड़ कर रखा है, पानी की टंकी नहीं होती छत पे रखी हुई है, और ये क्या मिट्टी की सीढ़ियाँ, अरे यार डर्ट की सीढ़ियाँ ये, और वो तेरी वाटरफॉल के अंदर जाती है। तो यहाँ से डिजाइन कुछ इस तरीके का है, वाटरफॉल स्विमिंग बहुत सही। चल आप मेरे घर का टूर देता हूँ तुझे, आ जा। सो गाइस मेरे घर का टूर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है मेरा घर। मेरा घर कैसा लग रहा तुझे? ओके तो इसे तो बेकार लग रहा है, पर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मेरा घर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर ओम का घर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सही बताऊँ तो मैंने ना इसे बहुत कम टाइम में बना लिया, ओम ने मतलब ज़्यादा टाइम लगा दिया मेरे से बनाने में, मेरा पूरा रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से, अबे आप क्यों तोड़ रहा है, तूने वैसे एक बार तोड़वा दिया। तो यहाँ से एंटर होते ही बीबी हाउस यहाँ पे लिखा हुआ, और ये देखो तो मैं तुम लोग को एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी लीव लगा रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। यहाँ स्विमिंग पूल बना रखे हैं, नहा ले आके, दो दो स्विमिंग पूल हैं। यहाँ स्मूथ स्टोन है, खिड़की विड़की नहीं खोला मैंने यहाँ पे। अच्छा वहाँ मुझे ग्लास लगाना था, वो यहाँ इस किचन जाकर। अरे रुक जा, वो ऐसे ही लगे रहने दे, सस्ता माल नहीं भाई, वो डर्ट है यार, मतलब सस्ता माल कह रहा है यार, देख रहे हो। सो गाइस लुक देखो, मैंने ना दो फ्लोर का बना रखा है, नीचे स्टोर रूम टाइप का है, एंड अब तेरे को बेडरूम दिखा के लाऊं। तो यहाँ से ऊपर जाना है। अबे ऐसे प्रेशर प्लेट लगा रखी थी मैंने, अबे टूट तोड़ दी क्या तूने? अच्छा मैंने तोड़ दी होगी, तो यहाँ पे प्रेशर प्लेट थी तो मैंने तोड़ दी। अंदर चलो, तो यहाँ मैंने ग्लासेस वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और ये देखो, ये ऑरेंज कलर का कारपेट ही नहीं था, येलो और वाइट ही मिला, वो भी येलो ज़्यादा इसलिए मिल गया क्योंकि ब्लेजर्स ने अपने घर में लगा रखा है। यहाँ पे मैंने लैंडिंग का थोड़ा सा डिज़ाइन लगाया, यहाँ पे तो पोर्ट में फ्लावर लगा रखे हैं, बस इतना ही किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस किसका घर सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड आपको कौन सा घर सबसे ज़्यादा मस्त लगा। मेरा ही घर लगा होगा मुझे पता है ना, ओम का घर तो मुझे इतना कुछ खास लगा। ओए भाई, ओए भाई देख रहे हो आपका घर घटिया है, और मार्क लड़ाई थोड़ी हो रही है। और यहाँ मैंने ग्लासेस वगैरह भी लगा दिए हैं, ये देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्लास। चलो ये तो ऑडियंस बता दी कि किसका घर सबसे ज़्यादा बढ़िया ना। तो बस आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके शुरू बताना कि यार किसका घर सबसे ज़्यादा बढ़िया है, एंड जो हारेगा उसको कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।